हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारे पेशेंस, जो हमारा सब्र होता है, ऐसा लगता है उसको टेस्ट कर रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर देखें 69,000 डॉलर जब इसने हिट किया था तो सब खुश हो गए थे और धड़ाम से 59,000 डॉलर ये ले आए। लेकिन उसके बाद हमने रिकवरी देखी और फिर 74,000 डॉलर्स के आसपास बिटकॉइन को देखा और फिर 60,000 डॉलर पे हम सबकी सिट्टी बिट्टी गुल होने लगी। ऐसा लगने लगा कि भैया यहाँ तो अब गए। फिर दोबारे से इसने लगभग 71,000 डॉलर्स को छुआ और अभी 64,000 डॉलर्स को टेस्ट करके दोबारे 66,000 डॉलर्स चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो जो रोलर कोस्टर राइड है ना, उसके अंदर अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और ख़ास कर जो बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन गिर बढ़ता है अच्छा खासा खुश होते हैं हम। लेकिन मेरे ज़्यादातर भाई बहन बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन बढ़ता है तो उतने नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बिटकॉइन गिरता है तो कंपटीशन करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि भैया बिटकॉइन 5% बढ़ता है तो ये जो है 1-2% बढ़ते हैं, लेकिन बिटकॉइन अगर 5% नीचे जाता है तो ये 20-20% गिर जाते हैं। यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन के अंदर होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर क्या हो सकता है, और ये मार्केट के अंदर पैनिक हुआ क्यों और हो क्यों रहा है, और क्या यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी या मार्केट पंप करने के कोई आसार लगते हैं। आपकी थोड़ी दुविधा मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी कंफ्यूजन है, जो डर है, निकालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप अगर देखो अभी जुड़े हो, नए नए हो, तो मुझे लगता है लाजमी सी बात है डर लगेगा। हम यहाँ पे 8-9 साल से हैं और ऐसे झटके हमने कई बार देखे हैं, और पिछले अगर 2 महीने के अंदर आपने देखा होगा तो ट्रेलर तो आप भी देख चुके होंगे कि ये झटके आते हैं, लेकिन ये यहाँ से डंप करके एकदम से बाउंस बैक हो रहा है, और वो भी 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर का पंप हो रहा है, तो वो होता क्यों है? एक बड़ा सवाल है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर इस बारे में बात करूंगा, बिटकॉइन का क्या लगता है शॉर्ट टर्म में, उस बारे में बात करूंगा। साथ के साथ में मैं बात करूंगा जो क्वाइंस इस टाइम पे ऐसा लगता है हमें शायद एक आखिरी मौका दे रहे हैं जिस रेट के ऊपर हैं, लेकिन हमें थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है, और हमें क्या करना चाहिए अगर आपने होल्ड नहीं किए हैं। होल्ड करे हुए हैं तो रिलैक्स करो, क्योंकि बिटकॉइन की हाविंग होनी है, और हाविंग के बाद में जो खेल करते हैं ऑल्ट क्वाइंस अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर, हमने बहुत सारी वीडियोज के अंदर आपको बताया। अगर आपके पास है, अगर ये झटका लगा है तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर मार्केट आपको एक अच्छा खासा मौका दे रही है। आप समझ लीजिए बहुत अच्छे रेट पे बड़े कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, वो मूंगफलियों के दाम पे आपको बादाम मिल रहे हैं, तो ऐसा मौका है। यहां पर ये बिग वेल्स क्या कर रही हैं समझाने की कोशिश करूंगा, और ये समझना आपको जो जरूरी है कि ये होता क्यों है। मार्केट के अंदर क्रैश अगर पिछले 3 से 6 महीने को कंसिडर करते हैं तो उसके बाद हुआ क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है मेरे पास में आपको बताने के लिए। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है, और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं आपके साथ यहाँ हूँ। मार्केट अच्छी हो बुरी हो, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम जो है नए नए व्यूज़ लेके आते हैं, नए नए आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स लेके आते हैं, जो कहीं ना कहीं हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, उनसे हमें एक आइडिया लगता है कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कॉन्टेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो लोग परेशान है, जो भी मैं डाटा और चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा एक सवाल है कि मार्केट क्रैश क्यों करे। ये अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपसे मैं यही सवाल पिछले एक जो 3-4 क्रैश हुए हैं उनमें पूछूं कि मार्केट यहां क्रैश क्यों करी, उसका कोई रीजन,
किसी के पास कोई खास स्ट्रांग रीजन नहीं होगा, और यहाँ पे एक ही चीज निकल के आती है, ग्रे स्केल यहाँ पे सेलिंग कर रहा है और ग्रे स्केल के पास है लाखों बिटकॉइन। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं या और डीप में समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। कल जो मार्केट, एक कहते हैं कि मार्केट के अंदर पैनिक देखा गया, उसका एक रीज़न था जो सिल्क रूट आप कह लीजिए, जो गलत तरीके से कई लोगों ने बिटकॉइन कमाए थे, यूएसए की गवर्नमेंट ने उसको सीज कर लिया था, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था, और वो लगभग $2 बिलियन के हैं। और $2 बिलियन के आप कह लीजिए लगभग 30,000 बिटकॉइन उन्होंने मूव किए, और ऐसा बोला गया कि उन्होंने कुछ बिटकॉइन क्वाइन बेस पे भी डाले, और यहां पर उसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाद में ये निकल के आया 2,000 बिटकॉइन उन्होंने डाले हैं, या हो सकता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन डाला था उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि क्या ये काम करता भी है, एक्चुअल में असली में ये बिटकॉइन है, और ये बोला जा रहा है कि सेलिंग प्रेशर। लेकिन एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि शायद कस्टडी देने के लिए, एज अ कॉइन बेस को कस्टोडियन बनाने के लिए, क्योंकि इस बहुत सारी चीज़ें आपको पता है हैकर्स घात लगा के बैठे रहते हैं, कुछ गलती हो जाए और वो आपका माल उड़ा के ले जाएं, तो हो सकता है कस्टडी के लिए उन्होंने कॉइन बेस को ये ट्रांसफ़र किए हों। तो इससे सेलिंग का कोई लेना देना फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट को बहाना मिल गया, मैनिपुलेटर्स को बहाना मिल गया मार्केट के अंदर प्रेशर बनाने का, और हाई लीवरेज वाले लोग जो है वहां लिक्विडेट होते देखे, और बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन हमने कल और परसों में देखी। ये एक चीज है जो हमें दिखाई जा रही है, लेकिन असली पिक्चर क्या है? हम आपको एक इंडिकेटर बताते हैं। इंडिकेटर क्या? एक न्यूज बताते हैं कि जब भी हम मार्केट के अंदर यूएसडीटी नए प्रिंट होते दिखते हैं या यूएसडीसी, और कल रात भी $1 बिलियन वर्थ के यूएसडीटी प्रिंट हुए, उसके बाद या उसके आसपास मार्केट के अंदर पैनिक रहता है, और फिर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर मार्केट पंप कर जाती है। और हम अगर पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उसको देखते हैं तो ऐसा ही निकल के आया। अब मैं इसको चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद आइडिया लगा सको कि मार्केट के अंदर ये हो क्या रहा है, और आपको इसको समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यूजुअली ये एक बुलिश सिग्नल होता है। अगर आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, मैंने डेट लिए हैं जब भी यूएसडीटी प्रिंट हुए हैं और उसके अगले हफ्ते के अंदर मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है। बिटकॉइन का ये चार्ट है, लेकिन आप समझिएगा ऑल्ट कॉइन्स भी हमें फिर बिटकॉइन के साथ बढ़ते दिखते हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आप कह लीजिए जब भी मार्केट डाउन करते हैं या मैन्यूपुलेटर्स या बिग वेल्स जो है मार्केट के अंदर प्रेशर बनाती है, तो वहाँ पे उस लेवल पे बाइंग करती है। और कल ये मत भूलिएगा, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने मिलके लगभग 6,000 बिटकॉइन खरीद डाले, ग्रे स्केल ने लगभग 5,500 बिटकॉइन या सेल करे, तो इनफ्लो पॉजिटिव ही रहा, और ब्लैक रॉक और फिडेलिटी यहाँ पे अभी माल खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो थिएटर की प्रिंटिंग से क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा $1 बिलियन प्रिंट हुआ है, आपका होगा चलो ठीक है, $1 बिलियन के अंदर लगभग 15,000 बिटकॉइन आते हैं, ये समझिएगा। अब यहां पे जो चार्ट ऑब्जर्व करने का है, 27 नवंबर को जब इन्होंने प्रिंट किया था $1 बिलियन के, उसके हमने अगले 10 दिनों के अंदर आप कह लीजिए 36,000 से लगभग हमने 47,000-49,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा। अब जब बिटकॉइन बढ़ा है तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स भी तो बढ़े होंगे ना। फिर यही चीज़ 12 दिसंबर के आसपास हुई, और आप देखोगे उस टाइम के आसपास जब ये प्रिंट होते हैं मार्केट या तो डाउन होती है, क्रैश होती है, या थोड़ी स्टेबल होती है। सेम ही चीज़ हमें देखने को मिली, मार्केट ने एक दिन पहले क्रैश किया और उसके बाद यहाँ पे 12 दिसंबर को दोबारे से हमने प्रिंट होते देखे, और उसके बाद फिर हमने बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर पंप देखा। सेम ही चीज़ 4 जनवरी को हुई, उससे एक दिन पहले मार्केट ने क्रैश किया, मार्केट के अंदर नया माल आया, इन्वेस्टर या मैन्युपुलेटर्स ने या आप कह लीजिए बिग व्हेल्स ने एंट्री बनाई, और उसके बाद लगभग $41,000 या $38,000 के बाद में आप देखते हो बिटकॉइन लगभग $50,000 को छुआ। सेम ही चीज़ 20 फरवरी को ऐसा ही हुआ, मार्केट थोड़ी स्टेबल थी, उसके आसपास हमने क्रैश देखा, और 20 फरवरी के बाद जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 47,000-48,000 था, $50,000-51,000, उसके बाद हमने सीधा पंप देखा $60,000 का। फिर
दोबारे से मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता दिखा या क्रैश होता दिखा 3 मार्च को। और 3 मार्च को फिर जब इसने यहाँ पर इन्होंने एंट्री ली, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर हमने बिटकॉइन को 69,000 डॉलर्स अपना ऑल टाइम हाई लगाता देखा। और यही चीज़ कल रात हुई, मार्केट के अंदर हमने क्रैश देखा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी बिग व्हेल्स को या इंस्टीट्यूशंस को या मैन्युपुलेटर्स को। और आप आने वाले टाइम के अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा, 64,000 डॉलर्स या जो ऑल्ट कॉइन्स इतने 15-15, 20-20% गिरे हुए हैं। और यहाँ पे USDC भी यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट हुए हैं। ये सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, USDC भी $1 बिलियन वर्थ के यहाँ पे हमें प्रिंट देखने को मिले हैं। तो आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको बिटकॉइन दोबारे 70,000 या अपना नया ऑल टाइम हाई छूता देख सकता है। अगर मैं नॉर्मली आपको बताता ना तो शायद आपको आइडिया नहीं लगता, लेकिन अब ये जो चार्ट आपने देखा है, अब इससे एक फेयर आइडिया लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो होता है उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर या उससे पहले हमें मार्केट क्रैश या मार्केट थोड़ी स्टेबल होते दिखती है। समझ रहे हो ना असली खेल? अब आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा एक आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आने वाले दिनों के अंदर या तो आपको इस टाइम पे इस रेट पे बाइंग देखने को मिल रही है, और कब ये पंप कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब ये 59,000 से दोबारे 74,000 डॉलर्स गया था, आपको पता चला क्या रीज़न था और क्यों मार्केट क्रैश करी थी? और उसके बाद 74,000 से 60,000 डॉलर्स आया था, क्या रीज़न पता था आपको मार्केट क्यों क्रैश करी थी? कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था। और यहाँ पे कल भी कोई रीज़न था या पिछले आप 2-3 दिन से कोई रीज़न देख रहे हो? 71,000 से 64,000 डॉलर्स आ गया, कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, वॉलेट इधर से उधर हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़े ना कि मार्केट के अंदर एक रीज़न है, ग्रे स्केल यहाँ पे सेल कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको एक ओवरऑल आइडिया लगा होगा और चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बेटर समझ में आ रही होंगी। बिटकॉइन की हाविंग होनी है और हाविंग के 6 महीने से 1 साल तक आपको यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बने रहते हो तो पीछे का अगर हिस्ट्री को देखते हो तो यहाँ पर आपके लिए अभी असली खेल या पिक्चर अभी बाकी है, अभी ट्रेलर हमने देखा है। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको हमारे लगता है हमारा कंटेंट्स समझ आ रहा है, अच्छा लगता है या कुछ रीजनेबल है, हम कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए। हर बार की तरह ऐसी जाती ना कीजिए, सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ बना हुआ हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे कंटेंट के साथ में जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिस जो आपको एक्चुअल में बता सके ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, और लॉजिक क्या है, कुछ लॉजिक के बेस पर बात करेंगे तो मज़ा ही अलग आता है। ठीक है ना, ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्यों बिटकॉइन बुलिश होना चाहिए। हम पिछले 2 दिनों से एक इंडिकेटर शेयर करें। इंडिकेटर क्या है आप समझ लीजिए, बिटकॉइन ने जब भी अपने ऑपर प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर मंथली कैंडल क्लोज की है तो आने वाली 3-4 कैंडल ज़बरदस्त रही हैं, चाहे वो 2017 के बाद हो, 2021 का बुल रन हो या आपका 2000 अभी हम 24 के अंदर देखने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया हुआ है बिटकॉइन ने लगभग 63,000 डॉलर्स के आसपास। और इंटरेस्टिंगली अब वहाँ पे फिबोनाची की 50 डे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट मिल रही है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, जो कि लगभग 63,000 डॉलर्स आता है। तो आप कह लीजिए इमीडिएट जो इसको सपोर्ट है वो 63,000 डॉलर्स, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करें, बिग व्हेल्स की एवरेज की बात करते हैं या फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं 0.786 वहाँ पर है। तो ये 2 लेवल पर आ जाए और मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट पे आ जाए तो ये लेवल्स पे आके कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हमें अभी USDT का आपको रीजन बताया, हो सकता है मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाए और अपना जो 69,000 डॉलर्स है वो एक रेजिस्टेंस मिले और उसके ऊपर जाता है। तो हमें अभी भी लगता है कि हाविंग के आसपास बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर होना चाहिए और हो सकता है ये 80,000 या आपको 83,000 डॉलर्स जो अगला रेजिस्टेंस है फिबोनाची की रेशियो 1.272 उसको ये हिट करता दिखे। उम्मीद करता हूँ अब आपको पिक्चर क्लियर होगी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इन झटकों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइन्स हैं आपके काम आ सकती है, इनके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल बिटकॉइन को लेके बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन है।
दूसरे कॉइन के अंदर भी मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, फिबोनाची की रेशियो है 0.618। जब भी और बिटकॉइन के अलावा जो पूरी मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी की, अगर वो उसके ऊपर क्लोज करती है तो हम एक बुल रन को कंटिन्यू होते देखते हैं, जो कि ज़बरदस्त रहता है। और आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट अच्छा है या बुल रन हमें दिखता है तो आप कह लीजिए यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। शायद हमें बिटकॉइन आखिरी मौका यहाँ पे, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑल्ट कॉइन्स जो है गिरे हुए हैं, एक आखिरी मौका दे रहे हैं अगली बुल रन से पहले। अब यहां पर सबसे पहले मैं इथेरियम की बात करूंगा। इथेरियम की एक रेशियो है फिबोनाची की 0.618, एक बुलिश होती है। अगर आप ये वीकली कैंडल, अगर मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज करें तो हम परेशान होना चाहिए। अभी आप परेशान मत होना, अगर यहां $3,300 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री यहां बिल्कुल बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $2,900 के आसपास आए तो बनाई जा सकती है। अगर यहां से ये पार गया तो अभी भी हमें लगता है कि अपने ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लगभग $4,000 का इसका जो रेजिस्टेंस है या आपका इसका इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.786। अगर मैं बात करता हूँ गाला के लिए, लोग बहुत पूछ रहे हैं 0.018 पे जब ये था हमने इसको शेयर किया था, और इसका जो 0.085 तक इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया। यहाँ पर आप ऑलरेडी 5x के प्रॉफिट में हैं, लेकिन हमें लगता है अगर इसको थोड़ा लंबे समय के लिए रखते हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं गाला के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि $0.2 तक आपको इस बुल रैली के अंदर देखने को मिल सकता है। ये $0.08 तो हमें नहीं लगता है, लेकिन हाँ 0.02 तक या 0.2 और 0.25 तक का ये पोटेंशियल रखता है। अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 0.047 के आसपास आए या 0.034 के आसपास आए तब यहाँ पे एंट्री बनाने की आप सोचिएगा। डॉज कॉइन को लेके $0.15 के आसपास आए तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसका रेजिस्टेंस जो हमने बताया था फिबोनाची का 0.236, वो इसको रेजिस्टेंस मिला, वहाँ पे बार बार ये हिट कर रहा है और रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोज करेगा तो हमें लगता है ये 3500 के आसपास $0.35 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद $0.5 तक भी ये देखने को मिल सकता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है या उसके ऊपर जाने का भी पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली के अंदर। शिबा इनू 2500 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो इमीडिएट टारगेट है लगभग 3500, और फिर इसका लगभग हम देख रहे हैं 4500 से 5000 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 1700 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। मैटिक $1 के नीचे हमने बोला था, अभी $0.9 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ पे मिल रहा है और $0.81 इसका दूसरा जो लेवल है जिस पे आपको एंट्री बनानी चाहिए तो एंट्री बनाई जा सकती है। $1 के नीचे इसके अंदर ऐसा लगता है अब अपॉर्चुनिटी की तरह है, और हमें आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट टर्म में $1.32 ये आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को पार जाने का। कावा एक और कॉइन है जिसके अंदर हमें बहुत मोमेंटम देखने को मिल रही है, इस टाइम पे $0.9 के आसपास मिल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $0.8 के आसपास बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करता हूँ या आपको लीजिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग $1.15 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $1.50, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $2.50 से $4 इस बुल रैली में जाने का। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। फ्लॉकी के लिए वही हमारे फ्लॉकी हो पैपी हो, हमारा स्टैंड क्लियर था लॉन्ग टर्म जो ऑलरेडी 10x हो गया है तो उसके अंदर आपको बच के रहना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो हमने बोला था यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है और उसके टारगेट भी बार बार हिट हो रहे हैं, लेकिन जो फिबोनाची की रेशियो है 4.618 वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और अभी फिलहाल जो सपोर्ट है 3.618 उसको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो 2.618 जो फिबोनाची की रेशियो है जो लगभग 15,000 के आसपास आती है वहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं पेपी की बात करता हूँ इसको जो है 1.618 की जो सपोर्ट है फिलहाल मिल रही है, अगर यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग आप 55,000 के आसपास यहाँ बना सकते हो तो आप कह लीजिए, अगर इसके टारगेट की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है 1,00,000 से 1,10,000 का इसका जो टारगेट ये आने वाले जो इसका रिसेंट टारगेट था वो हिट कर सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से सोच रहे हो 10x हो जाएगा हमें नहीं लगता है। एक और कॉइन है ARB इस टाइम पे $1.50 के आसपास मिल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट है, आप यहाँ एंट्री बना सकते हो, इसका पूरा चांसेस है या आपको $2 से $2.50 तो कभी भी देखे जा सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है ये भी $4-$5-$10 जाने का, और आने वाले टाइम में
जैसे ही इसके अंदर यूज केस निकल के आ रहा है, इस बुल रैली के अंदर ये और ओपी एक अच्छा परफॉर्मेंस वाले कॉइन्स हो सकते हैं मल्टीपल टाइम रिटर्न। और ओपी की बात करता हूँ तो यहाँ पे $3 के आसपास मिल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और एक एंट्री $2.6 पे अब मिल जाए तो आप बनाइएगा। इसका टारगेट जो है $4.5 से $5, आपका शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। अगर हम बात करते हैं पोलका डॉट की, वह 100 डे मूविंग एवरेज लगभग $8.1 के आसपास आता है, $8.5 के आसपास है, एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हो तो 9.5 से 11, $11.5, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो हमें लगता है $24, $25, और फिर ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी आपको टच करता दिख सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, और यहाँ पर बेस जो एक जैसे ARB है, OP है, ऐसे ही बेस का एक इकोसिस्टम के कॉइन, खासकर जो मीम कॉइन है वो अच्छा कर रहे हैं, तो उन कॉइन्स पे भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। एक कॉइन है ब्रेट, उसके ऊपर जिसके अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ पोटेंशियल रखता है, और आने वाले टाइम के अंदर वो एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। अगर मैं ब्रेट की बात करता हूँ तो मैं उसको भी चलो आपके लिए शेयर कर देता हूँ। अगर ये $0.06 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल है। अभी ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है, 200 रैंक इसकी चल रही है, तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। ये भी $0.1 तक का पोटेंशियल रखता है, लेकिन डिप में आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसा लगता है यह, अगर बेस नेटवर्क की बात करते हैं, उसका पहला मीम कॉइन है, टोकन है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है ये दिख सकता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है, और आपके कॉइन्स, मुझे पता है कई कॉइन्स इसके अंदर नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ मत होइएगा, चीज़ों को समझिए। जब भी हमारे पास में हम कमेंट पढ़ते हैं जो लगता है कि कॉमन कॉइन्स जो हमसे पूछ रहे हैं उनके बारे में हम कोशिश करने की कोशिश बताने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादातर लोगों को उससे फ़ायदा हो। कोशिश करते रहेंगे, आपके कॉइन्स आप हमें कमेंट में पूछते रहिए, हमें लगेगा कॉमन कॉइन्स के अंदर है तो उसके बारे में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। घबराने से कुछ नहीं होगा, मस्त रहिए, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए और कोशिश कीजिए कैसे माल बटोर सकें। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।